हमें दीपाली सहाय। और आप इतने दिन से सोच रहे होंगे कि मेरा कोई भी ब्लॉग क्यों नहीं आया, इवन दिवाली चली गई और मेरा ब्लॉग नहीं आया। उसका कारण है ये नहीं, ये कॉफ़ी। उसका कारण है कि इस वक्त हम हैं मुंबई एयरपोर्ट पे और हम लोग वापस आ रहे हैं पटना से मुजफ्फरपुर। अब हम इतने दिन से गायब क्यों थे, क्या कर रहे थे? तो एक सीक्रेट ट्रिप हम लोगों ने लिया था मुंबई के लिए। वी केम बैक टू मुंबई आफ्टर 2.5 ईयर्स। ऐश्वर्या और हम साथ में लौटे और क्या क्या हुआ उस दिन ये देखिए। हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मुंबई फाइनली। पिछले 2 साल में आफ्टर कोरोना हम लोग एक दो बार आते जाते रहे, पर एक दो बार नहीं, एक्चुअली कई बार काम की वजह से आते जाते रहे। बट नाउ आफ्टर 2 ईयर्स वी आर फाइनली गोइंग बैक अगेन। तो अभी हम लोग इस वक्त कहाँ है, बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन है। ये है पटना का बोटैनिकल गार्डन का बैक एंट्री का जो गेट है ना, उसके सामने का लिट्टी शॉप है ये। और ये पीछे मेरे पापा हैं, और पीछे जितने भी लोग दिख रहे हैं मम्मी, मेरी ननद अभी दिल्ली से आई है, मेरा देवर शुभम भी देवर, मेरे चाचा, सब लोग हैं। They've all come to drop us to the airport. यहाँ बोटैनिकल गार्डन के बैक एंट्री पे गेट के पास ये लिट्टी का दुकान है, वहाँ पे मिल रहा है लिट्टी और आलू चना का सब्जी। कितने बजे सुबह? हम लोग हर की तरह इस बार भी चुदा की तरह करते हुए ना खाली रहो, आज ना मिल रहा है शुभम भी बोलना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ दे गैंग अप अगेंस्ट यू। ससुराल में आपके साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है, पर आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारे, टिके रहे, अड़े रहे, क्योंकि आप सही है। ये कहानी नहीं है, मेरे पापा का नाक और शेर की दाढ़ एक जैसी सुनाई देती थी, हम क्या करें। तो हम लोग घर पहुँचे, जैसे ही पहुँचे हम लोगों को निकलना था एक फंक्शन के लिए। मेरे भाई को बेटा हुआ है, उसका छठी है आज, तो हम लोग उसमें जा रहे हैं। और आज फाइनली हम लोग 20 दिन बाद ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू मुजफ्फरपुर फॉर छठ, और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत थके हुए हैं, और वी आर वेरी एक्साइटेड। एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू मीट मायरा बानी। मायरा बानी कौन है, क्या है, बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं है मायरा बानी से आपकी मुलाकात कराएंगे। हाय, देखिए इस वक्त हम कहाँ है, ये है रेड एफएम का ऑफिस यहाँ पे पटना में, और हम किसके साथ बैठे ये देखिए, उमंग। जिंदगी में सबके उमंग भरने वाले ये है उमंग, मेरे फेवरेट आरजे हैं हमेशा से, 10 साल से हम इनको सुन रहे हैं, उससे ज्यादा से, और ही इज ऑलवेज बिन माय फेवरेट। हम इस वक्त घर आए हुए हैं, यहाँ पे पटना में हैं, और सबसे मजेदार ये है कि रेड एफएम का एक नया छठ पर गाना आ रहा है, घाट पे थाट, राइट, उस सीरीज में ये गाना है जिसमें हम भी गाने वाले हैं। थैंक्स टू उमंग दैट ही थॉट आई कैन सिंग दिस सॉन्ग। माय गुडनेस, यू कुछ ज्यादा हो जाएगा। नहीं। तो हम लोग इस वक्त रेड एफएम के ऑफिस में एक छोटा सा बाइट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, फिर जल्दी से यहाँ से भाग के कॉफी पियेंगे। ये देखिए सुपर टैलेंटेड लोग यहाँ पर सुपर टैलेंटेड सेटअप लगाते हुए, ये है ग्रीन स्क्रीन और इस पे दिखूंगी मैं ब्यूटी क्वीन। रेडियो की दुनिया के लोग जब वीडियो पे काम करते तो ऐसा ही मिस करता है। तो हो गया है मेरा शूट, ये देख
देखिए हमारी पूरी टीम हैंडसम लड़कों की जबरदस्त टीम है। ये हमारी शैलजा मैडम जिन्होंने बहुत प्यारा गाया है, और उमंग, आई डिडंट नो दैट यू राइट सो वेल। थैंक यू वेरी मच, मगर मैं वीडियो में नहीं आया। वो ले लिया, यही है मायरा, यही है वो मायरा जिससे हम लोग मिलने के लिए तड़पते हुए थे। हाँ बेटा, वही मेरा बेटा मायरा। तो अब हम लोग सब लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। मायरा इज गोइंग टू मीट हर दादू दादी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, and that is going to be the finale of the vlog. Those pehli baar hasi hai. They seem really nice, but I don't really know them. They are not my good friends. I don't really owe them. They are not my teacher, my grandma, dal de re. Watch out stranger danger, stranger danger, stranger danger. ये ना ब्लॉग बनाओ कि इस चलती हुई गाड़ी में वो भी एक मम्मा बनने के बाद ऐसी होता है, चलती हुई गाड़ी में मेकअप करने का एक्सपर्टीज आ जाता है। ये देखिए बेटी को चटर चटर खेल रही है। मायरा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, साढ़े चार रही है, गुड इवनिंग। कौन है मायरा, कौन है बेटा, दादू, बाबा, कौन है मायरा, काली शाही हो तुम। ये हम लोग की बड़ी मम्मी है जिनकी वजह से हम लोग यहाँ भागे भागे आए हैं। मेरे ससुराल में छठ करती है बड़ी मम्मी, एंड दिस इज हाउ आई विल नाउ मीट यू आफ्टर छठ।